हेलो डियर एग्रीयंस, वेलकम टू एग्री टाइम। नाउ लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी डिमांड आई है कि हमें वेबसाइट से IGKVK एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, इसका एग्जाम दिलाना है, तो हम कैसे दिला सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में आना है। क्रोम ब्राउजर यूज कीजिएगा, सबसे बेटर है। ओके, क्रोम ब्राउजर ही सबसे बढ़िया है। तो क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है IGKVMIS, ठीक है? ये आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, IGKVK का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। उस पर टच करना है आपको, ठीक है? उसके बाद टच करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन दिखेगा लॉगिन करके। क्या ऑप्शन दिखाई देगा? लॉगिन करके। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आएगा, तुरंत बैक कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है एक स्टूडेंट का और एक फैकल्टी या स्टाफ का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टूडेंट वाला जो सेक्शन है, इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ भाई स्टूडेंट वाला क्लिक। और यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी मांगेगा, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और नीचे में आपका रिकैप्चा वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि जोड़ घटाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी। तो मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उन्होंने जो भी पासवर्ड डाला हुआ है उसको, ठीक है? आप भी अपना पासवर्ड अगर क्रिएट कर लिए हो तब की स्थिति में पासवर्ड डालो, वरना आप डेट ऑफ बर्थ से अपना लॉगिन हो सकते हो, ठीक है डियर? चलो, तो यहाँ पे अपन पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आईडी डाल लिया, पासवर्ड भी डाल लिया। अब अपने को रिकैप्चा वाला ऑप्शन आ रहा है, उसमें डालना है 21+14 कितना होता है, 21+14 ये अपन को डालना है, ठीक है? एक बार आप अच्छे से देख लेना कि भाई है क्या, ठीक है? नहीं तो आपका लॉगिन नहीं होगा। हम यहाँ पे 35 डाल देते हैं और उसके बाद अपन को लॉगिन वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। मैं इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ई कृषि पाठशाला का, ठीक है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पे आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैं टच करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इस पे जैसे ही आप टच करोगे, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है? यहाँ पे दिखाई देने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्स टाइप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर देख सकते हो आप यहाँ पे, अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है किसका जी, अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है एक्सटर्नल का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सटर्नल पे क्लिक करते हो और उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हो, फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एंटोमोलॉजी लिखा आ रहा है और ये आपका एक रूरल सोशियोलॉजी है, ठीक है? और आपका सॉइल साइंस है, इकोनॉमी है, ठीक है? तो ये सारे आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम दिलाना है करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप टच करते हो, अभी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? अभी रात में थोड़ी ना एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि जो वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है वो तो रात में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि अपन को एग्ज़ाम दिलाना है करके। तो यहाँ पे क्लिक करके आप एग्ज़ाम अपना जो है वो दे सकते हो। जैसा कि ई कृषि पाठशाला ऐप में देते हैं, सेम वैसे भी आपको यहाँ पर भी एग्ज़ाम दिलाना है। और आंसर भी जो सबमिट करोगे, वो यहाँ से भी आप आंसर जो है वो सबमिट कर सकते हो डियर एग्रीयंस, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई। जिन एग्रीयंस को
IGKV के अगर समझ भी नहीं आ रहा है उन तक यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। और जो एग्रियंस अभी तक हमारे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ, वो वहाँ से जुड़ सकते हैं ग्रुप में। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं और वो जो नोट्स हैं उनसे पढ़ के वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्यार से लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।